जो चैनल पे न्यू है सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर वक्त मिल सके। तो गाइस यहाँ पे मैं जो है ना स्मूथी बना लिया, उसका जो है ना मेथड आप लोगों को बताऊँगी जो मैंने तैयार करके रख ली थी। तो जो कि जो रेसिपी है ना वो मैंने पहले भी दी हुई है, तो ये कुछ ज़्यादा मुश्किल काम नहीं। मैंने यहाँ पर लिया था 1.5 कप मैदा, बीच में मैंने 2 से 3 पंच मैंने डाले थे नमक के, साथ में मैंने जीरा डाला था और साथ में मैंने 1/2 टीस्पून जो है ना वो मैंने बेकिंग सोडा डाला था, जो खाने वाला सोडा होता है वो मैंने बीच में ऐड किया था, और साथ में मैंने डाला था 3 से 4 कुकिंग ऑयल। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने छोटे छोटे पीले बेल लिए हैं, तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी जैसे आप रोटी बनाते हैं ना, हाफ नरम हाथों से, तो ज़्यादा आपने इसको जो है ना जो डो है, हाँ जी डो को जो है ना वो आपने ज़्यादा हार्ड नहीं रखना, जैसे हम नॉर्मली आटा गूंथते हैं ना बस इस तरह की डो होनी चाहिए। इससे ये है कि आपकी जो रोटी है ना वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट मिली जाएगी, और आपने ज़्यादा रोटी को जो है ना वो आपने पतला नहीं करना, बिल्कुल बारीक नहीं करनी, थोड़ी सी उसकी जो तह है ना वो थोड़ी सी मोटी होनी चाहिए, तो फिर आपका जो समोसा है ना वो बड़ा अच्छे से बनेगा। हाँ जी, तो यहाँ पे मैंने बना ली है, हाँ जी ये देखें, तो सारी रोटियाँ जो है ना वो मैं बेल के रख लूँगी। तो इसी तरह जो है ना वन बाय वन करके मैं सारी रोटियाँ जो है ना बेल के रख दूँगी। तो उसके बाद मैं जो है ना स्टफिंग वाली साइड पे आऊँगी। तो हाँ जी ये देखें, ये जहाँ पे मैंने हाँ जी यहाँ पे मैं ये दूसरी रोटी बेल रही हूँ, इसी तरह मैं सारी रोटियाँ जो है ना वन बाय वन करके जो है ना वो बेल के रख दूँगी। और एक रोटी के ऊपर रोटी जब हम ऐसे डायरेक्ट नहीं रखेंगे, इसको पहली रोटी के ऊपर हम जो है ना वो मैदे को डस्ट कर लेंगे ताकि दूसरी रोटी जो है ना वो उसके ऊपर जो है वो चिपके ना। तो आप लोगों को मेरी वीडियोज़ कैसी अच्छी लगती हैं, कैसी हैं, मैं आप लोगों के साथ कैसी वीडियो शेयर करूँ, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वैसी ही वीडियो जो है ना वो मैं लेकर आऊँगी। हाँ जी, तो ये देखिए रोटी को आपने ना ज़्यादा बड़ा करना है ना ही ज़्यादा छोटी हो, आपका जो समोसा है ना वो बड़ा अच्छा सा बन जाए। हाँ जी ये देखिए, ये जो है ना वन बाय वन करके मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि जैसे मैंने एक दूसरे के ऊपर रखी थी, तो जिस तरह ये मैंने रखी है ना इसी तरह आप लोगों ने रखनी है, तो फिर ये अगर रोटी जो है ना वो चिपकेगी नहीं। तो यहाँ पे मैंने आलू बॉइल कर लिए थे, ये तकरीबन 1 kg आलू है, तो साथ में मैंने 1 बड़ा टुकड़ा जो है वो मैंने बंद गोभी खा लिया था, साथ में मैंने 4 गाजरें ली थी, और साथ में मैंने 400-500 ग्राम मिर्च ली थी, और साथ में मैंने 1 प्याज ली थी, उन सबको मैंने काट लिया है। तो अगर आप चाहें तो जो टमाटर जो आलू है आप उसको मैश भी कर सकते हैं, आप उसको काट भी सकते हैं, जैसे जिस तरह का आप खाना चाहें आप कट कर सकते हो। तो यहाँ पे बंद गोभी मेरी थोड़ी थी, तो मैंने सोचा कि चले सारी जो है ना वो मैं इसके अंदर डाल देती हूँ। वो ये है कि फिर स्टफिंग जो है वो जब ज़्यादा होगी तो फिर समोसे और लोग भी ज़्यादा बन जाएंगे। हाँ जी, तो यहाँ पे जो नमक मिर्च है वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कितना आप खाना पसंद करते हैं आप उतने ही डाल सकते हैं। तो यहाँ पे दूसरी बात ये है कि मुझे ना कमेंट आते हैं कि आपकी आवाज़ जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं अपनी आवाज़ को क्लियर निकालूँ, लेकिन मेरी आवाज़ ऐसी ही है और मेरी आवाज़ को इग्नोर कीजिएगा, तो ये ऐसे ही रहने वाली है, ये सही होने वाली नहीं है। हाँ जी, तो यहाँ पे मैं डालूँगी सोया सॉस, चिल्ली सॉस, साथ में डालूँगी चिकन पाउडर, साथ में डालूँगी अदरक का पाउडर, वो मैं इसके अंदर यूज़ करूँगी, साथ में मैं डालूँगी मेरे पास चिकन पड़ी हुई है वो मैं इसके अंदर जो है ना वो मैंने श्रेड की हुई है वो इसके अंदर डालूँगी।
मसाले जो है ना उसकी ज़्यादा जो है ना वो मेजरमेंट तो नहीं है, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो जितनी आप खाना पसंद करते हो। तो मैं तो नॉर्मली ही डालूँगी जितनी मैं खाना पसंद करती हूँ। हम लोग ज़्यादा मिर्ची नहीं खाना पसंद करते, तो मैं नॉर्मली ही डालूँगी इसके अंदर। तो यहाँ पे मैंने चीज़ जो है ना वो मैं कट करके डाल रही हूँ। चीज़ मैंने घर में बनाई हुई थी, चीज़ बनाना तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ये भी मैं आप लोगों के साथ किसी दिन इसकी भी रेसिपी शेयर करूँगी कैसे चीज़ घर में बनाई जाती है। तो जब मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी ना, तो उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आया, बहुत ज़बरदस्त आया। तो ये जो है ना, आप इसके अंदर जब आप स्प्रिंग रोल बनाते हो ना, तो उसमें भी आप ये डाल सकते हो। तो उसकी भी ये स्टफिंग बिल्कुल सेम ऐसे ही बनती है। साथ में मैंने डाला है अब चिकन पाउडर। और इसके अंदर अगर आप चाहें तो आप तीखा मसाला भी ऐड कर सकते हो, जो ज़्यादा स्पाइसी खाने वाले हैं। इसके अंदर आप तीखा मसाला भी यूज़ कर सकते हो। और थोड़ा सा मैं इसके अंदर डालूँगी नमक। अगर आप चाहें तो आप चाइनीज़ नमक का भी यूज़ कर सकते हो, लेकिन मैं चाइनीज़ नमक नहीं खाती। मैं ये आम, ये जो रेगुलर जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, वो वाला नमक इसके अंदर जाएगा। जो मैंने इसके अंदर चीज़ डाली थी ना, वो थोड़ी सी मोटी डाली थी, तो आपके मुँह में जब आएगी ना, जब आप लोग खाओगे तो आपको आप लोगों जो है ना वो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये मेरे पास ये चिकन पड़ी हुई थी, मैंने एक दिन जो है ना मैंने चिकन के वो मैंने स्प्रिंग रोल बनाए थे, तो ये वो थोड़ी सी लेफ्ट ओवर थी, तो वही मैंने इसके अंदर डाल दी है। तो इसको अच्छे से कर लूँगी मिक्स। हाँ जी, तो यहाँ पे ये जो मैंने रोटी पीली थी उसको मैं कर दूँगी 200 में। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ समोसा, इसके अंदर मैं अब यहाँ पे स्टफिंग करूँगी। हाँ जी, ये समोसे जो है ना, ये जो भी मैंने समोसे रोल बनाए थे, ये बहुत ही मज़े के बने थे। वीडियो जो है ना ये मेरी बहुत ज़्यादा लेट आने वाली है, ये 3-4 दिन की पुरानी वीडियो है, मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। तो मैं इसको एडिट करके तो इसको मैं टाइम टू टाइम डाल सकूँ। बिल्कुल टाइम निकालना मुश्किल हो जाता है, जब घर के सारे काम करने हो ना तो वीडियो बनानी बहुत मुश्किल हो जाती है, वॉइस ओवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जो जब हम साथ साथ बोल लेना तो वो फिर भी इजी होता है, लेकिन बाद में जब हम वॉइस ओवर करते हैं ना तो कोई समझ ही नहीं आती कि बंदा बोले क्या। काफ़ी जो अंदर के जो स्टेप होते हैं ना, वो हम भूल चुके होते हैं कि हमने क्या क्या काम किया था जब हम लेट डालें। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं टाइम टू टाइम डाल पाऊँ, लेकिन नहीं मैं डाल पाई। तो आज जो है ना मेरी पूरी कोशिश है कि मैं वीडियो जो है ना मैं अपलोड कर दूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पे मैंने रोटी को कर लिया था 200 में तकसीम। हाँ जी, तो यहाँ पे अब मैंने एक इस टाइप का मैंने बनाया है रोल ऐसे। हाँ जी, ये मैं बनाऊंगी समोसा, इसकी थोड़ी सी ले लूँगी। हाँ जी, ये देखिए इसको हमें ऐसे फोल्ड कर लेना है इस तरह से, और अंदर हम इसकी करेंगे स्टफिंग। समोसा बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है। तो अब जैसा कि आप सबको पता है कि रमज़ान शरीफ जो है ना, रमज़ान शरीफ का महीना चल रहा है, तो आप लोग मुझे अपने सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं रमज़ान के हवाले से आप लोगों के साथ कौन कौन सी वीडियो शेयर करूं। आप मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मेरे लिए भी आसानी हो कि इससे जो नेक्स्ट वीडियो है मैं क्या बनाऊं, कौन सी बनाऊं। आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है। और प्लीज़ आप मेरी वीडियो तो देखते हो लेकिन आप लाइक नहीं करते। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरी वीडियोज़ को जो है ना वो आप लोग लाइक किया करो, और वीडियो को जो है ना वो आपने पूरी देखनी। हाँ जी, ये मैंने कचौरी बनाई थी, और कचौरी का जो स्टेप है वो पता नहीं कैसे मिस हो गया।
तो इसके लिए मैं ये फिर जो है ना अलग से वीडियो बनाऊंगी, आप लोगों के साथ शेयर भी करूंगी। हाँ जी, तो यहाँ पे अब मैंने ले लिया ऑयल। अब जो मैंने ये बनाई है चीज़ें उनको मैं फ्राई कर लूँगी। हाँ जी, जब आप ऑयल को गर्म करें तो उसको पहले जो 2 मिनट डालें वो आपने तेज़ आँच रखनी है। उसके बाद आपने मीडियम आँच करके तो फिर आपने इसको उसमें डालनी है ताकि अंदर से अच्छे से पक जाए। और ये बहुत ही मज़े की और सॉफ्ट बनी थी। हाँ जी, अब ये हो गई है फ्राई। तो फ्राई करने के बाद अब मैं इसको निकाल लूँगी। हाँ जी, ये चल रही है मेरी सेकंड टाइम। ये आप बना रही हूँ रोल, इसको भी फ्राई करके तो जल्दी जल्दी जो है ना वो मैं इसको भी डिश आउट कर लूँगी, क्योंकि डोसा जो है ना वो बिल्कुल जो है ना ऑन टाइम पर खुलने वाला था। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, अपनी फैमिली अपनी फ्रेंड में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो मिलूँगी आपसे एक नई वीडियो के साथ। और अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर। और वीडियो मेरी अभी ख़त्म नहीं हुई, बस 1 मिनट की वीडियो रहेगी। आप लोगों ने जो है ना वो फुल वॉच करके आप लोगों ने जाना है।